बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों ने घमासान छेड़ दिया है, तो वहीं विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन कर नीतीश सरकार पर कई सवाल भी दागे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। अगर लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र का चौथा दिन है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सदन में संयुक्त सभा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण भी दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने सदन में मौजूद नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। जहानाबाद जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर मास्क जांच अभियान के तहत जो बिना मास्क लगाए गए पकड़े गए उन लोगों से जुर्माना वसूला। साथ ही जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों को कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपील किया कि सभी लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें और दुकानदार मास्क लगाकर ही दुकान पर बैठे और जो भी ग्राहक आए उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गया के जिलाधिकारी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों का निरीक्षण किया, तो वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ठंड से कांप रहे लोगों को कंबल भी दिया। इस दौरान मौके पर कंबल वितरण के वक्त नगर आयुक्त, गया नगर निगम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बार ठंड काफ़ी पहले आ चुकी है और नवंबर माह में ही गया में करीब 7 डिग्री न्यूनतम तापमान है। खासकर रात में काफ़ी ठंड हो जा रही है और जिसके कारण ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं या जिनका अन्य कोई अपना बसेरा नहीं है रात्रि को विश्राम के लिए, उनके लिए रैन बसेरा ही एक सबसे उपयुक्त स्थान होता है। सहरसा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर 2020 को केंद्र के मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, श्रम अधिकारों में कटौती, श्रम कानून को समाप्त कर कॉरपोरेट राज लाने के खिलाफ, किसानों के बिल को रद्द करने, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आम हड़ताल में अटक के तहत सभी मजदूर संगठनों ने सहरसा जिले के सभी जगहों के चौक चौराहों पर यातायात ठप कर और सभी सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों के कार्यालयों में कामकाज बाधित कर दिया। मजदूरों से अखिल भारतीय आज समूचे भारत कलम चलाने वाले मजदूर से लेकर के सहरसा में आज 26 नवंबर को केंद्रीय संघ के आह्वान पर 22 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ P3, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया और MTS संघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी के सभी सदस्य संयुक्त डाक संघर्ष समिति हड़ताल पर डटे रहे। मुख्य रूप से भारत सरकार हर विभाग को निजीकरण करने जा रहा है, विरोध में हम लोग का यह जो है एक दिवसीय आज का धरना कार्यक्रम है। बहुत सारी समस्या हमारी है, 22 सूत्री मांग हम लोगों का है, इसमें नई पेंशन नीति को मतलब खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए, सभी खाली पदों पर अविलंब मतलब बहाली किया जाए, ग्रामीण डाक सेवक का सर्विस सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए।